अगर पायलट ने अनाउंस कर दिया कि भाई हमें तो भाई लैंडिंग होने वाली, कौन सी लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली, पर पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, उस समय डू यू नो व्हाट पीपल आर डूइंग, एनी गेसेस व्हाट पीपल आर डूइंग एट दैट टाइम? क्रैश होने वाला है, मे डे. से मैं खोलता हूं आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा ही प्यारा है. तो मैं आपको, मेरा काम है बस इतना बताना और खुद जाके तुम पढ़ाई करना शुरू करेंगे. ये जो एओनिसिस है, स्टार्टिंग में हेडिंग वगैरह पढ़ लिया करो, बाद में अपने को हेडिंग नहीं पढ़नी है. हाउ टू रीड एओनिसिस भी समझा रहा हूं आपको. लेट्स बिगिन. पहली बात तो यार देखो, नर्सिस रश्ड अराउंड द मैन, ये पढ़ लिया करो. क्रिस्टोफर हार्डिंग इज अ लेक्चरर इन द एशियन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा. एडिनबरा बोलते हैं इसको. एडिनबरा स्पेशलाइजिंग इन मॉडर्न इंडियन एंड जापानीज हिस्ट्री. ही वाज वन ऑफ द बीबीसी रेडियो थ्री न्यूज जनरेशन थिंकर. 2013 के अंदर रेडियो के थिंकर, वो बीबीसी कुछ अवार्ड देता होगा, उनका नाम लिखा हुआ है. ठीक है, लेट्स बिगिन. नर्सिस रश्ड अराउंड द मैन इन ब्लर ऑफ हाइपर एक्टिव क्लोथ्स चेंजिंग शीट्स चेंजिंग क्लोथ्स चेंजिंग एंड शीट चेंजिंग. ठीक है, ब्लर ऑफ हाइपर एक्टिव. ब्लर ऑफ हाइपर एक्टिव मतलब समझ पा रहे हो? ब्लर ऑफ हाइपर एक्टिव मतलब कुछ 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 चल रहा है और थोड़ा सा यू नो एक्सट्रीमली हाइपर है, पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है. ठीक है, अराउंड द मैन, ये जैसे जिन लोगों को थोड़ा बहुत वीडियोग्राफी आती है उन लोगों ने देखा हो. आजकल तो आईफोन में भी आ गया ना, पीछे वाली चीज ब्लर हो जाती है. वो एक बैकग्राउंड तुम्हें, इसको मतलब भूमिका बांधना. ठीक है, आगे देखते हैं. ही लुकड अप, इट्स कैंसर यू नो, इट्स स्प्रेडिंग ऑल अराउंड. तो उसने बोला, उसने ऊपर देखा, उसको बोला यू नो इट्स ऑल स्प्रेडिंग अराउंड. ही वाज टॉकिंग टू द ओनली नर्स इन द रूम हु वाजंट ऑन द ड्यूटी. भाई उसकी ड्यूटी नहीं थी, वो वहां पे बैठा. शी वाज देयर टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द हॉस्पिस स्पा. हॉस्पिस, एनीवन नो द मीनिंग ऑफ हॉस्पिस? हॉस्पिस का मतलब पता है? हॉस्पिस क्या है? मौत के पहले आपको यहां पे रखा जाता है. जो लोग अगर बनारस भी गए हो, बनारस के पास एक जो मृत्युंजय घाट है, मृत्युंजय घाट है ना जहां पे वो रखते हैं, तो भाई वहां पे अगर आप मरने वाले होगे ना, तो वहां पे जो टर्मिनी इल है, व्हेन यू गोना डाई, तो वहां पे आपको छोड़ते हैं. मणिकर्णिका घाट है ना, क्या मणिकर्णिका है ना? ठीक है, मणिकर्णिका कि मणिकर्णिका, थैंक्स फॉर दैट. मणिकर्णिका घाट है. तो हॉस्पिस टेरिबली इल पे, टाटा का बहुत बड़े कैंसर मेमोरियल का भी एक हॉस्पिस है एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च. तो वहां पे रिसर्च करनी आई थी, वो नर्स वर्स कुछ है नहीं. बट फॉर दिस डाइंग मैन एट दिस मोमेंट शी वाज सिंपली देयर. वो बस थी यार वहां पे. ओपन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रेशियस मिक्सचर ऑफ कमेंट्री एंड इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट. उसको ओपन मिक्स दे रहा है, कमेंट्री दे रही है, वो सुन रही है. उसको कोई लेना देना नहीं, उसकी नर्स नहीं, वो रिसर्च करने के लिए. आगे चलते हैं. टू ऑफ द ग्रेट 20th सेंचुरी थ्योरिस्ट of the care of the dying urge people to be on the lookout for such moment. तो उन लोगों ने बोला कि यार जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरिस्ट हैं, उन लोगों ने बोला भाई ये जो केयर करते हैं, थ्योरिस्ट ऑफ द केयर, देख रहे हो, जो केयर को स्टडी कर रहे हैं या यू नो उसको बोलते हैं, दे आर अर्ज पीपल कि भाई ऐसी मूवमेंट को देखिए. द साइकेट्रिक्स एलिजाबेथ कुबलर रॉस, द ऑथर ऑफ ऑन डेथ एंड डाइंग, बहुत सारी किताबें हैं डेथ के ऊपर और डाइंग के ऊपर. इंकरेज फैमिली मेडिकल स्टाफ टू लिसन फॉर द इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन. देखो भाई आरसी की हेल्प, आरसी के अंदर आपको क्वेश्चन आता है what is implicit. Implicit मतलब जो बोला नहीं गया है पर वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, समझा? जो बोला नहीं गया पर भावनाएं. Implicit communication of dying parents. The hospice care pioneer Cicely Saunders spoke about the need to attend a person's total pain. भाई उसकी ना टोटल पेन समझ, कौन सी? नॉट द जस्ट फिजिकल पेन, बट सोशल, इमोशनल एंड यस स्पिरिचुअल पेन टू. भगवान को याद करना शुरू कर देते हो आप लोग मौत के पहले. मैं कहीं पे एक कोई डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, अगर आपका प्लेन क्रैश होने वाला है, सुनो ध्यान से, और अगर पायलट ने अनाउंस कर दिया कि भाई हमें तो भाई लैंडिंग होने वाली, कौन सी लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली, पर पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, उस समय डू यू नो व्हाट पीपल आर डूइंग? एनी गेसेस व्हाट पीपल आर डूइंग एट दैट टाइम? क्रैश होने वाला है, मे डे, इट्स मे डे, व्हाट पीपल आर डूइंग? एनीवन? They were panicking, they were reading Hanuman Chalisa, they were talking about Hey Ram, etc. They were not picking their stuff, bags, etc. They were just remembering God like crazy, समझा? तो भाई मौत के टाइम पे एक स्पिरिचुअल पेन भी होता है, तो उसको हेल्प करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्विक 5 सेकंड चेक, आपको समझ आ गया? क्विक 5 सेकंड चेक समझ आ गया? येस और नो, समझ आ गया? सिंपल. चलो इसका फटाफट ना 2-3 ऐसे मुझे वर्ड्स बता दीजिए, हम इसको पैरासमरी की तरह सॉल्व कर रहे हैं. जो वर्ड्स अगर आप बोलेंगे तो कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए. हाँ भैया बताइए, कोई भी चीज. पहली बात तो टोटल पेन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना भाई, टोटल पेन बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है. हॉस्पाइस वर्ड भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिकॉज नियर डेथ है. हॉस्पाइस यूज करो ना करो, बट नियर डेथ के बाद लोग हैं ना, हॉस्पाइस भी बढ़िया लग रहा है. पेन ड्यूरिंग द डेथ की बात करें, स्टार्टिंग के अंदर ये तो भूमिका बांधी है, ये तो जनरल है, इसकी कोई लिंक ही नहीं है. हाँ भाई, कैंसर की बात हो रही है, ओके. इज इट ओनली अबाउट कैंसर? इट्स ऑल अबाउट टोटल थिंग. इज इट ओनली अबाउट कैंसर? इज इट ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन? Is it also about observing? It's also about observing, right? तो भाई urge, look out for such moment. देखो जरा, देख रहे हो भाई? So it's all about observations, yeah, और commentary. 3 वर्ड है यहाँ पे, ऑब्जर्व करना और लुक आउट फॉर सच मूवमेंट. और बोल रहा है कि ये जो कॉमेंट्री है, कम्युनिकेशन ऑफ द डाई, तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. इफ यू आस्क मी, अगर तुम कोई भी पैरासमरी करनी है, पैरासमरी के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, तो डेथ वाला जो पॉइंट है अगर वो लिखा होगा, टोटल पेन वाला पॉइंट है अगर वो लिखा होगा, तो उनका टेक केयर करो और उनके साथ कम्युनिकेट करो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पैसेज के अंदर संभालना शुरू कर रहा है. तो आई थिंक आई एम कवरिंग द एंटायर पैसेज, येस और नो?
यस और नो, कम्युनिकेशन या ऑब्जर्वेशन, यस और नो, समझ आ गया? डेथ है, टोटल टोटल कम्युनिकेशन, टोटल पेन को समझो और कम्युनिकेट करो या ऑब्जर्व करो, राइट? कम्युनिकेशन इज टू वे, राइट? इट्स एन ऑब्जर्व एज वेल. तो भाई जो तो पैरा समरी होगा उसके अंदर वो तेरा राइट आंसर होगा. ये टिपिकल कैट का पैरा समरी क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने. ऑल गुड, यस और नो, ऑल गुड, यस और नो, समझ आ गया? ठीक है, बढ़िया है. अब आप इसको लिंक मैंने आपको दे दिया है, खोल के रखिएगा और इसको दोबारा पढ़ेगा. अब जाके फिर एंड टू बी ऑल एंड एंड ऑल बीइंग विद समवन इन डेथ इंटेल्स मोर देन जस्ट फिजिकल वेलबींग. कैन एंड ऑफ लाइफ केयर मेक स्पेस फॉर स्पिरिचुअलिटी. तो पूरा जो पैसेज है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है. कितने वर्ड के हैं? 12 कमेंट भी है यहाँ पे एंड दिस इज 3000 वर्ड्स. तो आपको 30 मिनट का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए. डन है भाई, समझ गए? होप दिस इज हेल्पफुल, होप दिस इज हेल्पफुल, यस और नो, होप दिस इज हेल्पफुल. ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया. हेल्पफुल था तो वीडियो को पक्का लाइक पक्का ठोकना. थैंक यू सो मच.